एग्जॉटिक बर्ड ब्रीडिंग फार्म महाराष्ट्र इस चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम कनूर बर्ड की सभी महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक देखो। कनूर जाति में विभिन्न प्रकार के बर्ड होते हैं। इसमें सन कनूर, पाइनएप्पल कनूर, रेड फैक्टर पाइनएप्पल कनूर, येलो साइडेड पाइनएप्पल कनूर, ग्रे टाइप कनूर, ऐसे बर्ड होते हैं। कनूर बर्ड को क्या खिलाना चाहिए, तो हम इस वीडियो में आपको बताना चाहते हैं कि कनूर बर्ड को हमेशा भीगा हुआ सीड मिक्स ही खिलाइए। इसमें राड़ा, चना, चावल, मूंग की दाल, भीगा हुआ गेहूं, सनफ्लावर सीड खिला सकते हो। हफ्ते में एक बार उबला हुआ चावल भी दे सकते हो, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक ही बार। ज्यादा देने से बर्ड बीमार पड़ सकते हैं। और हफ्ते में एक बार हरी धनिया पत्ता दे सकते हो। सब हरी सब्जी भी दे सकते हो। बर्ड को कैल्शियम देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सेंजन की हरी पत्तियां जरूर दीजिए, उसमें बर्ड को बहुत कैल्शियम मिलेगा। कनूर जाति के सभी बर्ड की लाइफ तकरीबन 30 साल तक होती है। कनूर बर्ड पूरा एडल्ट होने में एक साल लगता है। एक साल के बाद कनूर बर्ड अंडे देना स्टार्ट करते हैं। एक ब्रीडिंग स्टेज में 4 से 6 अंडे ब्रीड कर सकते हैं। उसमें से सभी अंडों से कनूर बर्ड चिक्स निकलते हैं। ब्रीडिंग स्टेज में कनूर बर्ड को कैल्शियम देना बहुत जरूरी है। कैल्शियम के लिए पानी से कैल्शियम दे सकते हो या कैल्शियम ब्लॉक भी बर्ड को प्रोवाइड कर सकते हो। हमारे एग्जॉटिक बर्ड फार्म में सभी प्रकार के बर्ड हैं। कनूर जाति के सभी बर्ड हमारे ब्रीडिंग फार्म में हैं। हमारे बर्ड का हफ्ते का पूरा प्लान होता है। कौन से दिन क्या खिलाना है, ये सभी पहले से प्लान किया रहता है। हर दिन उनको कुछ अलग खाना दिया जाता है, जिसमें से उनको अलग अलग खाने से सभी कंटेंट मिल जाते हैं। इसलिए हमारे बर्ड फार्म के सभी बर्ड अच्छे खासे हेल्दी होते हैं। बर्ड ब्रीडिंग फार्म में युवा पीढ़ी का अच्छा काम है। इसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन बर्ड ब्रीडिंग फार्म में अच्छा खासा महीने से कमाया जाता है। अच्छे ब्रीडिंग वाले बर्ड बाजार में कम संख्या में मिलते हैं। महाराष्ट्र में तो मुंबई छोड़कर छोटे बड़े शहर में, गांव में किसी का भी बर्ड फार्म देखा नहीं जाता, लेकिन युवा पीढ़ी ने इस तरफ रोजगार समझकर ध्यान दिया तो महीने का कम से कम 1 लाख तक कमा सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।